में फिर से एक नया मुद्दा सामने आया है जहां वाइवा के मार्क्स कम करने के लिए सस्पेंडेड स्टूडेंट दिलीप हंगर स्ट्राइक पर हैं। 3 दिन मौजूद है दिलीप, हम इन्हीं से जानेंगे कि वो करता थोड़ी सर पानी भी नहीं पिया, एक बूंद पानी भी नहीं पिया, बिल्कुल प्यासे हैं परसों से, इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा दिन, आज 3 दिन हो गए, ना खाना है ना पानी है, एक बूंद नहीं गई उनके मुँह में पानी की, कोई आगे पूछने वाला नहीं है। एक माँ को नहीं पूछा, खा रही थी पी रही थी, कम से कम बंदा उसकी जान मुसीबत में है, हम लोगों के लिए बैठा हुआ है, अपने पीछे साथियों के लिए बैठा हुआ है, खुद का तो उसका कोई मसला नहीं है, उसको काम तो हो ही चुका है, लेकिन दूसरों के लिए जो लोग लड़ते हैं वो इस तरह के ही होते हैं, अपनी जान की बाजी लगा के यहाँ बैठा है, किस लिए बैठा है, लेकिन कोई इसको पूछ नहीं, ये कैसे हैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे लिए कुछ नहीं खड़ा हुआ, कम से कम जो सामने बैठा है मेरे बच्चे को तो गायब करके भूल गया, कम से कम जो सामने बैठा है उसी को पूछ ले, कुछ तो मेरे आंसू पूछेंगे, क्या है यहाँ पे, क्यों आया, क्यों है बीसीस के अंदर, दिल नहीं है तो चल जाता क्यों नहीं, यहाँ से चला जाए, यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ रह के ये इस बच्चों अपने घर में बच्चों का बाप नहीं, इसके बच्चे अगर ऐसे ही करते अगर भूखे प्यासे होते हैं या गायब हो जाते तो ये ऐसे ही बैठा रहता, बिल्कुल कुछ करता ही नहीं, इसके दिल में दिल सीने में दिल नहीं पत्थर रखा हुआ है, इसको बोलो जाए जहाँ से आया है वहीं जाए, यहाँ रह रही, कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है किसी को, अभी अपने घर में करे पहले बच्चों को भूखा रखे, बच्चों को गायब करे, फिर एहसास होगा उसको क्या होता है माँ बाप का प्यार। मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि किस तरह से आगे लड़ाई जारी रही। देखिए जो हमारी लड़ाई है वो अन्याय के खिलाफ है और अन्याय हर स्तर पे हो रहा है, जैसे नजीब की अम्मी अभी बैठी हुई हैं हमारे साथ, ये 3 महीने 3.5 महीने से परेशान है, रोज़ यहाँ आती हैं, ये हाई लेवल का अन्याय ये लोग जो कर रहे हैं, जिसको मतलब अमानवीय हम बोलेंगे, उस पर इनको अफसोस नहीं है, उस पर ये बात नहीं रखना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा जो हमारा बाइबा का है, बाइबा में हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो नाफे कमेटी के आधार पर नाफे कमेटी ने बोला है कि भेदभाव होता है, जातिगत शोषण होता है, धर्म का शोषण होता है, उसको इन्होंने लागू ना करके 100% बाइबा कर दिया है। तो जो हमारा जो आने वाला हमारा जनरेशन है जो हमारे देश का निर्माण करेगा, जो गरीब घर से आएगा, उसको पूरी तरह से ये वाइवा रोकेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स बोलती हैं, डाटा बोलते हैं कि ये अधिकतर इस जातिगत भेदभाव होता है जितना ज़्यादा वाइवा का नंबर होता है। तो हमारी पहली डिमांड है कि जो वाइवा का नंबर है उसको कम किया जाए, यूजीसी का जो गजट आया हुआ है उसको स्क्रैप किया जाए, और बाकी जितनी भी हमारे सस्पेंडेड स्टूडेंटों की मांग थी, जितने हमारे सस्पेंडेड स्टूडेंट हैं इनकी जो मांगे थी उनको माना जाए, और जो हमारे नजीब की माँ बैठी हुई हैं इनको न्याय दिया जाए प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से, और अभी इन्होंने जो प्रपोजल रखा है आंटी जी ने, राष्ट्रपति को इस पे आके, हमारी भी समझदारी इस पे बनती है कि राष्ट्रपति को आके नजीब पे कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि एक देश में 3 महीने से एक माँ बार बार रोती है, जो मतलब माइक पे बोल नहीं पाती है, हमको भी शर्म आती है, मैं भले ही अभी हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूँ लेकिन हमको शर्म आती है कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा यही अपने नौजवान साथियों से, विद्यार्थियों से अपील है, हम तो निकल लेंगे, लेकिन एक लड़का जो नहीं है कैंपस में उसके लिए हम लोगों को ताकत लगानी चाहिए कि उसको ढूंढ के कम से कम एक माँ से मिलाया जाए। बाकी हमारे साथी हैं सस्पेंडेड स्टूडेंट हैं जो हमारे 11 लोग हैं जिसमें से, तो वो लोग लड़ाई को जारी रखेंगे, हम भूख हड़ताल पे हैं और हमारी भूख हड़ताल बिना पानी के तब तक रहेगी जब तक हमारे मुद्दे नहीं माने जाते हैं। अगर बाई चांस हमारा मुद्दा नहीं मानेगा तो हम पानी भी नहीं पियेंगे, ये हमारा क्लियर कट है, क्योंकि हम जिस दिन बैठे थे उस दिन हमने अनाउंस किया था कि जब तक खाना पीने नहीं खाएंगे, क्योंकि जब अन्याय के खिलाफ आप शोषण बंद करेंगे तब भी आप हमारा आगे ज़िंदगी चलेगा।